दूध ज्यादा होता ना तब कीटोसिस का प्रमाण बढ़ जाता है। गाय आपको खूबसूरत मिल जाएगी पर खूबसूरत होने के साथ में मिल्क नहीं दे पाते। आपके यहाँ पर ये रिकॉर्ड तो बहुत नॉर्मल होगा, दो थन पिला दे 4 लीटर एक दिन का, एक टाइम का 4.5 लीटर। क्या विशेषता है आपकी गायों की, डाइट में क्या क्या चल रहा है? अमूल्य गाय है, इनकी कोई कीमत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए एक काफी स्पेशल जगह पर। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं आया हूँ हलवद गुजरात के अंदर बीके भाई हईर के यहाँ पर गौशाला के अंदर। आपको आज हम टॉप क्लास की गिर गायों का कलेक्शन दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आज के वीडियो पर आपको इनके बारे में डिटेल से बताएंगे क्या मिल्क रिकॉर्ड है, क्या इनकी खास बात है और कैसे इनका रख रखाव किया जाता है। आज के टाइम पर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। चलिए दोस्तों इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा फार्मर्स चॉइस पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ में सर मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। हाँ, मयूर आहिर नाम है, मैं बीके आहिर का शरण हूँ। अच्छा, और सबसे पहले आप यहाँ का एड्रेस क्लियर कीजिए। ये आए हमारी गौशाला हलवद में, जो हलवद के पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मोरबी गुजरात। और हम 2002 से काम कर रहे हैं गिर गाय पे। 2002 से कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई? पहले तो 3-4 गाय से शुरुआत की थी। तो फिर इतनी बढ़ाने का क्या कारण रहा, थोड़ा सा वो भी बताइए। शौक था पापा को। अच्छा। गाय गिर गाय एक अलग क्वालिटी का रखे, मतलब जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो, सब देखे। हाँ। सबको नॉलेज मिले भाई गिर गाय रखने के क्या फायदे है, उसकी वजह से हमने फिर बढ़ा दिया गोवंश। तो आज कितनी गाय है यहाँ पे? आज टोटल मेरा यहाँ मिला के और फार्म पे दूसरी गौशाला बना रहा हूँ 200 गाय की। अच्छा। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। 10 किलोमीटर हाँ, दूर है। हाँ, वहाँ पे 70 गाय है, यहाँ 35-40 है, 35-38 है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मैं राजस्थान में पिछली बार गया था, वहाँ पे जिस भी गौशाला में जा रहा हूँ बताते हैं बीके भाई हईर के यहाँ से गाय लेके आए, वहाँ से नंदी लेके आए, वहाँ से बछड़िया लेके आए। तो यहाँ से आप ऐसी जो टॉप क्लास की बछड़िया वो कैसे तैयार कर पा रहे हैं, उसका थोड़ा सा राज बताइए। मेन रीजन डिपेंड रखता है बुल पे, मतलब अच्छी ब्लड लाइन का बुल है उस पे डिपेंड रखता है। बिल्कुल। एक गाय साल में 10-12 महीने में एक बच्चा देती है। बुल जितनी गाय क्रॉस करेगा उतने बच्चे अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। मेन पर्पस बुल पे रहता है। अभी आपके पास में कौन कौन से बुल हैं और क्या मेरे पास मिल्क रिकॉर्ड है? अभी प्रदीप है, भावनगर ब्लड लाइन सालिंग का बेटा है, उसके पहले अमर था, ज्यादातर अमर की बछड़िया है इसमें। थोड़ा सा चलते हैं पास में दोस्तों। हाँ जी। और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। अभी यहाँ पर जो मैं गाय देख पा रहा हूँ, जो बछड़िया देख पा रहा हूँ, सारी ही टॉप क्लास है। इसमें ज्यादातर अमर की बेटी है। हाँ हाँ। और प्रदीप की है, 6-7 प्रदीप की है। अच्छा, ये उस तरफ भी प्रदीप नंदी है। प्रदीप, ये प्रदीप नंदी है। दोस्तों थोड़ा सा पास में लेके चलते हैं। बस बस प्रदीप, ये देखिए, ये है प्रदीप। क्या है जी अभी इसकी? इसकी 2014 में जन्म है इसका। 2014 का जन्म है, आप देख सकते हो 9 साल का। और ये इनकी गाय आप देख सकते हो। अच्छा, आपके यहाँ पर जो फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़िया है कितने टाइम में प्रेग्नेंट हो जाती है, वो थोड़ा सा? 30-31 महीना में हो जाती है। 30-31। अच्छा, कोई कोई बोलते हैं कि 2.5 साल में करते हैं। मतलब वो 30 महीना हो गया। 30 महीना हो गया, तो उस पीरियड में आप भी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आप प्योर नंदी यूज करते हैं या सीमेन वगैरह भी कुछ? नहीं, सीमेन कम यूज करते हैं, हमारे पास तो बुल है नेचुरल क्रॉस के लिए, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। कितने बुल को यहाँ पर आप लेकर आए और ट्राई किया है? अभी हमारे बुल है, पहले पूनम था, उसके बाद भैरव था, प्रिंस था, फिर प्रदीप है, अमर था पहले। अच्छा, सबका बुल सीमेन है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो आपको हम कलेक्शन दिखा पा रहे हैं, वैसे यहाँ की जो मैं खास बात क्या देख रहा हूँ, बछड़ियों की हाइट काफी ज्यादा है। हाइट उसके परवरिश पे डिपेंड। और मिल्क रिकॉर्ड क्या है आपके? मिल्क रिकॉर्ड पूरे दिन का मिला के 17-18 लीटर से 23 लीटर है। 23 लीटर का भी मिल्क रिकॉर्ड वाली यहाँ पे बछड़िया और गाय है, मतलब इतनी कैपेबल यहाँ की गाय है। अभी तो ज्यादातर फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय है इसमें। अच्छा, तो अच्छा, ये जो आपने गिर गायों पे शुरुआत करी, तो जब आपने शुरुआत करी तब आपको क्या क्या दिक्कत इसमें आई, वो भी थोड़ा सा? दिक्कत तो हमको इतना खास तो कोई है नहीं, हमारा मेन पशुपालन ही। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही ये था, हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत आई नहीं। अच्छा, वैसे जगह भी बहुत बड़ी है, रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, खेत है खुद का। खेत है। क्या क्या खिलाते हैं खाने में इसमें? अभी साइलेज खिलाते हैं और एक घास है हमारा यहाँ झिंझवा, वो खिलाते हैं, और जुआर का। मैं देखता हूँ कि आप पूरे भारतवर्ष में गाय देते हैं
और बहुत सारे बड़ी बड़ी गौशालाओं पर भी नंदी देते हैं, तो उसका क्या आप सिस्टम रखते हैं वो बताइए थोड़ा सा। नंदी तो हमारे पास सब तो यूज नहीं कर सकते, जैसे प्रदीप का बछड़ा हुआ तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते ज्यादा, जो प्रदीप की बेटी है उसमें यूज नहीं करते, अमर के बछड़े उसमें हम यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सेल कर देते हैं उसको, मतलब अच्छी गौशाला पे जो संभाल सके, जो इसकी अहमियत समझ सके उसको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम मेन बात कर रहे हैं ब्रीडिंग के ऊपर दोस्तों, ब्रीडिंग आप कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अच्छी नस्ल बना सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना अनुभव भी बताइए कैसे घर पर अच्छी गाय तैयार करें, अच्छी बछड़िया तैयार करें। तो अच्छी गाय होनी चाहिए, फिर अच्छा बूल है, उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा ही होगा उससे। बिल्कुल। क्या मिल्क रिकॉर्ड रहना चाहिए आपके हिसाब से? मिल्क रिकॉर्ड 16-17 से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि उससे कम वाली तो किसी को पड़ेगी नहीं। अच्छा। आज तक रोड पे घूम रही है तो बिना दूध वाली घूम रही है, दूध वाली तो कोई छोड़ता नहीं, नहीं छोड़ता है तो क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि उसमें से उसकी इनकम हो रही है। बिल्कुल। और घूम रही है उसमें तो कुछ इनकम है नहीं, 2 लीटर 1.5 लीटर दूध देगी उसमें क्या मिलेगा उसको, वो छोड़ देते हैं फिर रोड पे। आज तक कोई ऐसे ऐसे लोग है जो माँ बाप को भी तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी इनकम नहीं है, अगर उसका पेंशन आता है वो आता तो रखते घर पे। सही बात है। हाँ, तो इस वजह से जिसमें जिसको दिखता है भाई इसमें वो मिलेगा उसको रखेंगे। आपने जो बछड़िया तैयार करी है उसके पीछे सबसे मेन राज क्या है? नहीं, राज तो अच्छा बुल, अच्छा ब्रीडिंग, बस वही है। दूध कितना पिलाते हो बछड़ियों? दूध तो डेढ़ दो थन तो पिला ही देते हैं, ज्यादा है, दो थन तो पिला ही देते हैं, 4 महीने तक तो पिलाते हैं। अच्छा, फिर वो दाना खाने चालू हो गया तो 1 थन कर देंगे फिर। हाँ हाँ हाँ। तो मिल्क रिकॉर्ड में आपके यहाँ पर जो टॉप मिल्क रिकॉर्ड की गाय है वो थोड़ा सा बताइए? वो 23.5-24 लीटर की है। जो टॉप रिकॉर्ड में है। और कोई चैंपियन भी है इसमें? हाँ, चैंपियन नहीं है, वर्ल्ड ऑफ चैंपियन हुआ लेकिन गाय वो सेल कर दी मैं। अच्छा अच्छा। मतलब मिल्क रिकॉर्ड आपके यहाँ एवरेज क्या रहता है गायों का? 20-23-22 के आसपास वो मिल्क रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। बच्चा, जो इनका दूध रहता है या जो आप इनसे घी भी बनाते होंगे ना? घी भी बनाते हैं। तो क्या कैसे क्या सप्लाई करते हैं, क्या रेट आपको यहाँ? घी हमारा ऑल इंडिया में जाता है कुरियर से, कहीं भी आप मंगा लो 2000 रुपये की जी। 2000 रुपये अभी का पाव है, अभी का, भविष्य में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अभी 500-700 भी मिल सकता है घी। हाँ वो घी नहीं होता मेरे ख्याल से। हाँ, वो तो किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या रहता है। हाँ, सही बात है आपकी। अच्छा, मैं यहाँ पर जो एक बात देख रहा हूँ, जो बछड़ियों का ओरा देख रहा हूँ वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब इन बछड़ियों की थोड़ा सा मूल्य भी बताइए, क्या कीमत रहती है? मूल्य तो इसकी हम आंक नहीं सकते अभी। जो टॉप में जो बछड़ियाँ गई हैं, जो नंदी गए हैं, उनका क्या था? नंदी तो बहुत एक ज्यादा प्राइस में गया, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता। अच्छा, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, पर काफी रेट में गया है। काफी रेट में गया है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर और क्या क्या ट्राई कर रहे हैं? जैसे ब्रीडिंग तो आप कर रहे हैं, मेन फोकस ब्रीडिंग पे आप अभी सेक्स सीमेंट पे हम कर रहे हैं नया। अभी 3 नंदी उधर साला अपनी दूसरी है वहाँ पे है, वहाँ पे सेक्स सीमेंट बनाएंगे। वहाँ पे कितनी गाय हो गई अभी? अभी 70 के आसपास है, और बढ़ाएंगे सब मिला के 200 करनी हमको। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है वो ब्रीडिंग का हो रहा है, इसके अलावा ये घी भी सप्लाई कर रहे हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि अमूल्य गाय है, इनकी कोई कीमत नहीं है, नंदी की भी कोई कीमत नहीं है। वैसे अगर कोई भाई इच्छुक हो और आपके यहाँ से अच्छा नंदी, अच्छा बछड़ा लेना चाहता है तो मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। तो क्या एक मतलब थोड़ा सा तो क्लियर कीजिए लोगों को कि क्या रेंज से स्टार्ट हो जाता है? 2 लाख के ऊपर ऊपर। ब्लड लाइन कौन सी है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उस पे डिपेंड। अच्छा, उस तरह से रहते हैं। और एक बछड़ियों का अगर हम मान के चले तो बछड़ी का तो उसकी खूबसूरती पे जाता है, ब्लड लाइन पे जाता है। फिर भी एक मिनिमम बछड़ी तो वैसे देते नहीं, 4-5 लैक्टेशन की गाय देते हैं, जिसकी बच्ची हमारे पास है सेफ, उसका वंश हमारे पास सेफ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ही देते हैं हम, क्योंकि आप बछड़ी मांगोगे तो हम नहीं सकते इसके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका आर्डर आप देखिए, वैसे गाय खूबसूरत तो हो जाती है, ये सभी देखते हैं गाय आपको खूबसूरत मिल जाएगी, पर खूबसूरत होने के साथ में मिल्क नहीं दे पाते। मिल्क भी होना चाहिए, उसके बिना तो मतलब नहीं है, सब होना चाहिए, खूबसूरती मिल्क सब होना चाहिए, और फिर ऐसी कैपेबल भी होनी चाहिए कि बीमार भी ना हो, सब चीजों को सहन भी कर पाए। वैक्सीनेशन टाइम पे करने का, उसकी सार संभाल देखरेख रखने का, बिल्कुल बीमार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर कितनी बछड़ियाँ हैं? यहाँ पे सब दूध में है, अभी सब मिला के 35-36 है, बाकी छोटे बच्चिया है। अच्छा, और उधर ज्यादातर बच्चिया उधर है फार्म पे। डाइट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? अभी फीड में देते हम कपासिया और जव मिक्स करके
भिगा के मतलब देते हैं, भिगा के और कुछ खली वगैरह या पशु आहार? नहीं, खली नहीं देते हैं। ये गायें चरने के लिए जाती है या? नहीं, चरने नहीं जाती, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, जो बड़ी गौशाला बनेगी शायद वहाँ पर नहीं, वहाँ सिस्टम पे भी? मतलब पे की, चरने नहीं। अच्छा, चरने नहीं जाती है। अभी यहाँ पर आप देखिए, वो उस साइड कौन सा पार्टीशन है? नहीं, वही दूध वाली, मतलब अलग अलग रखी हुई, वो भी दूध वाली है। और इधर एक बार बछड़े दिखाएंगे क्या आप? चलो दोस्तों, बछड़े भी आपको दिखा देते हैं। और गौशाला काफी बढ़िया है, आप देख सकते हो हमारे पीछे भी गौशाला है, उधर सारे पार्ट हैं, इधर आप देखिए शानदार गिर गायें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो बछड़े हैं यहाँ पे, इनमें दूध पीने वाले भी होंगे शायद? हाँ, सब दूध पीने वाले। ये सारे दूध पीते हैं? वाह जी, चलो ये देखिए, आओ आओ, ये देखिए काफी एक्टिव हैं। तो एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। अभी क्या इनकी एज क्या है मतलब यहाँ पे? अभी 4 महीना 5 महीना 6 महीना, कोई बड़ा है तो 5.5 महीने के आसपास। अच्छा अच्छा, ऐसा है? अभी सब छोटे हैं ज़्यादातर। अच्छी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इनमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं? इन्हें कितना दूध पिलाते हैं वो थोड़ा इसको सा? ज़्यादातर दो थन पिलाते हैं, 4 लीटर 4.5 लीटर के आसपास एक दिन का। एक टाइम का 4.5 लीटर? 4 लीटर आराम से पीला, मतलब दोनों टाइम का कितना हो गया? 8 लीटर दूध मतलब दो थन तो पिला ही देते वैसे तो। बहुत बहुत बढ़िया है, आप सब हाइट देख रहे हो, उसकी हेल्थ देख रहे हो, तभी बन सकती है। पहले से ही उसको मतलब पूरा खाना नहीं मिला, दूध मिला नहीं, तो फिर उससे कुछ नहीं बनता। बराबर बराबर, ये देखिए यहाँ पर। अच्छा, आपके यहाँ पर बछड़े और जो बछड़िया आती है, कितने परसेंट का रिजल्ट उनमें देखने को मिलता है? अगर किसी अच्छे नंदी से क्रॉस होती है गायें और अच्छा टॉप क्लास का नंदी है तो कितने परसेंट बछड़ों में उसका रिजल्ट आता है? और दोनों गाय भी अच्छी है, बुल भी सही है, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता, पूरा रिजल्ट पूरा मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बछड़िया आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इनको डाइट में क्या क्या खिलाते हैं? इसको भी वही चारा खिलाते हैं, बाकी दाना खिलाते हैं दोनों टाइम। और ये सारा यहाँ पर चलता है। और यहाँ पे तो बहुत सारे बछड़े। अच्छा, इसमें ज्यादातर बछड़िया हैं या बछड़े हैं? मिक्स में है, सब मिक्स है, मतलब 50-50% मान सकते हैं। बछड़ी का ज्यादा है, बछड़े कम है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। अच्छा, ब्लड लाइन के बारे में हम थोड़ा बात करना भूल गए, थोड़ा सा ब्लड लाइन के भी आप बारे में बताइए, क्या विशेषता है आपकी गायों की? विशेषता तो मतलब प्योर क्वालिटी पे रखते हैं, मतलब प्योर गिर पे हम मिक्स नहीं करते, क्वालिटी का पूरा काम है। पूरा। चलो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हम दिखा पा रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त गाय है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, हाँ, दूसरे इलेक्ट्रेशन की आप देखिए, कितना दूध है इसका? दूध कितना? 9.5 किलो एक टाइम का है। 9.5 किलो एक टाइम का, ये देखिए बहुत जबरदस्त। वैसे आपके यहाँ पर ये रिकॉर्ड तो बहुत नॉर्मल होगा मेरे हिसाब से। इसके ऊपर भी है। 8-9 लीटर 10 लीटर का प्रमाण बढ़ जाता है। कैसे होता है ये थोड़ा सा? कीटोसिस मतलब उसमें शुगर कम हो जाती है, चक्कर आने लग जाते और खाना नहीं खाती, डाइट नहीं खाती, तो फिर आप कैसे? उसके लिए दवाई करना पड़ता है, ई बूस्टर आता है। और बाकी तो गुड़ का प्रमाण ज्यादा देते हैं तो वो नहीं होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अच्छा, ये जो ज्यादा दूध देती है उसमें गुड़ का ध्यान रखना पड़ता है, गुड़ का पानी पिलाने का दोनों टाइम। देखिए अभी वहाँ पे वो लेके आ गए, क्या पुट्टी करके लेके आए? साइलेज डाल रहे हैं। अच्छा, साइलेज डाल रहे हैं, ये आप बना के रख लेते हैं और फिर डालते रहते हैं इनको? हाँ, रोल पड़े ना सर। अच्छा, अपना ही प्लांट है, मशीन बनाते हैं उसमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, आपको हमने यहाँ की शानदार बछड़िया दिखा दी, नंदी दिखा दिया, यहाँ की जो टॉप क्लास गाय थी वो दिखा दिए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े भी आपको दिखा दिए। अब आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा। और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।